देखिए सबको अवसर मिल जाएगा महोदय, कृपया धैर्यपूर्वक बैठे रहें। वैसे भी जो बोल चुके हैं वो भी सदन में ही रहें प्लीज। मैं तथागत गौतम बुद्ध की धरती आएगा उनका नहीं सिद्धार्थ नगर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में 29 वर्षों तक कपिल वस्तु में रहे और लुम्बिनी नेपाल में है। भारत नेपाल का जो आज इंडो नेपाल ट्रीटी है और कम से कम हमारी सरकार आने के बाद जिस तरह से संविधान सभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेपाल को भारत के एक भाई की तरह से, न केवल पड़ोसी बल्कि भाई की तरह से नेपाल को प्रगति और विकास में जिस तरह का सहयोग है, तो आज उस लुम्बिनी से ककरहवा एक लैंड कस्टम स्टेशन के लिए सर्वे हो चुका है। भारत नेपाल की ज्वाइंट टीम सर्वे कर चुकी है। थर्ड कंप्रेहेंसिव कमेटी की बैठक होने वाली है। तो मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि ट्रेड ट्रांजिट के और भारत नेपाल के बीच में ये व्यापार बढ़े और इस लखनऊ दिल्ली से जो सिद्धार्थ नगर होकर के ककरहवा से उस तरफ लुम्बिनी होकर के काठमांडू, जो अभी भैरवा नौतनवा होकर के गोरखपुर से आते हैं, तो निश्चित तौर से ये व्यापार भी बढ़ेगा, राजस्व भी बढ़ेगा और भारत नेपाल के रिश्तों में भी और मजबूती आएगी। तो इसलिए अधिष्ठाता महोदय ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है कि आज जब चाइना ये प्रयास कर रहा है नेपाल में, तो आज इससे अगर ये नाका खुलेगा या कस्टम लैंड स्टेशन की स्थापना होगी तो इससे निश्चित तौर से भारत के और नेपाल के रिश्तों में और भारत नेपाल के ट्रेड में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी और इससे राजस्व का लाभ होगा और दोनों तरफ क्षेत्र के लोगों को जो अभी बहुत दूर से गोरखपुर होकर के या तो बहराइच से भारत में आना पड़ता है वो आसानी हो जाएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मोहम्मद सादिक जी।